अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड दिस टर्म कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं. कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले उसके वर्ड सीखते हैं. तो वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते टाइम वी लर्न सम न्यू वर्ड एंड फर्स्ट इज आफ्टर करंट चार्ज एंड टाइम नेक्स्ट वर्ड इज करंट डेंसिटी. सो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ करंट to the area. Okay, right, note it down, write it down. Current density at a point in a conductor, current density at a point in a conductor is the ratio of current at that point. Sir, could you please repeat? Current density at a point in a conductor is the ratio of current at that point is the ratio of current at that point in the conductor to the area of cross section. To the area of cross section of the conductor at that point. To the area of cross section of the conductor at that point. सो करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम जे से. जे इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया. करंट इज करंट अपॉन एरिया. अच्छा, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई, इसको बाद में समझेंगे. अभी कुछ और टर्म्स ऐड करना है, उनको समझना है, देन वी कैन लर्न. करंट डेंसिटी इज वेक्टर. और वेरी स्मॉल रीजन, मीन्स यहाँ पे रीजन एक समझ सकते हैं कि करंट एक एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है. करंट जो है एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है एंड दैट इज व्हाई करंट डेंसिटी हैज डायरेक्शन. दैट इज व्हाई करंट डेंसिटी हैज अ डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होता है. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो वहां पर एरिया वैक्टर होता था. सो एरिया वॉज अ वैक्टर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट डेंसिटी. अभी इसके बाद उसकी और एनालिसिस करेंगे. एंड आफ्टर लर्निंग करेंट डेंसिटी वी आर गोइंग टू लर्न कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं. सो पुट योर पेन डाउन नाउ, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग हियर. सो फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटल्स और कंडक्टर्स. सो कोई भी कंडक्टर हो, मोस्टली वी कैन टॉक अबाउट मेटल. सो मेटल में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज एंड देर आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एटम ऐसा दिखता नहीं है बट ऐसा यूजली ड्रॉ करते हैं. सो देर विल बी सम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली देर आर मेनी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड. कुछ ही फ्री होते हैं एंड सम आउटर वाले जो मस्त बाहर जाके घूम सकते हैं. दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लाइफ बड़ी अच्छी है. कभी इस एटम की कभी उस एटम की कहीं भी जाके रह सकते हैं वो. बट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी बाउंड टू द न्यूक्लियस. एंड इन मेटल्स और इन कंडक्टर्स
आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर. सो व्हाट हैपेंस, सपोज देयर इज अ कंडक्टर, और अभी इस पे कोई एक्सटर्नल बैटरी या कोई पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं किया गया, कनेक्ट नहीं किया गया, इट इज जस्ट अ कंडक्टर. सो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर, देयर इज अ टेम्प, दे हैव टेम्परेचर, सो मेटल हैज टेम्परेचर, सो इलेक्ट्रॉन्स हैव देयर काइनेटिक एनर्जी. So electrons can move. Electrons can move. But when they start moving from one direction to other, to beech mein they will collide with atoms. Main atom bahut bada bana raha hu, itna bada atom nahi hota. But think of electron is really small. Electron is really small, and atoms are everywhere. They are ready to block its path. Ready to block its path, and that is why when electron tries to go in from one direction to other direction, it just collides with the atom. Atoms of collision ka matlab hai ki other electrons will be repelling it, and it is trying to go there but it will be deflected. So its path will be very random. हर जगह इसको धक्का मिला लाइफ में, सो इट जस्ट मूव्स, गोज ऑन मूविंग लाइक फोर्थ एंड बैक इन द रैंडम डायरेक्शन. सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी रैंडम, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, एक बार में कभी फ्रंट कभी बैक, लाइक दिस. एंड अगर ये सपोज आगे भी मूव कर रहा है फॉर सम टाइम बीइंग, तो ये करंट कंस्टिट्यूट कर सकता है, मींस दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन कंस्टिट्यूट करंट. बिकॉज ये टाइम, ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, सो टाइम बिटवीन कोलिजन बहुत ही स्मॉल होता है. ओके, सो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन मे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट. सो ध्यान रखना, अभी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, देर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल पोटेंशियल या नो एक्सटर्नल फील्ड. ओके, सिंपल एक कंडक्टर रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन ऐसे फोर्थ एंड बैक कोलिशन कर रहे हैं, हर जगह कोलिशन कर रहे हैं. ऐसे इफ आई टेक अनदर इलेक्ट्रॉन, इट विल टेक अनदर पाथ. सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे हैव दिस रैंडम डायरेक्शंस ऑफ फ्लो, रैंडम डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दैट इज व्हाई इवन दो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग द नेट करंट इज जीरो. इन दिस केस द नेट करंट इज जीरो बिकॉज जो सम ऑफ मोशंस है, दैट इज देर इज नो नेट मोशन. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन हो रहा है, लेट अस से फ्रॉम हियर टू हियर, बट एट द सेम टाइम देर आर मिलियंस, बिलियंस एंड मोर देन दैट इलेक्ट्रॉन्स विच आर जस्ट मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, एंड दैट इज वाई अ फ्री एंड अ कंडक्टर जिसका जिसके पास कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इट विल नॉट have a net current even though the electron is free to move. Understood? Okay, note this term. Noted. Okay, write it down, right? Electrons in a conductor move at high velocities. Electrons in a conductor move at high velocities. Of the order of 10 raised to 5 meter per second. Of the order of 10 raised to 5 meter per second. But they undergo
collisions with the metallic ions, but they undergo collision with the metallic ions. After each collision, the direction of motion changes. After each collision, the direction of motion changes. And after many such collisions, the net displacement of the electron is small. And after many such collisions, the net displacement of the electrons is small. Okay, next paragraph, right? The average distance moved by a free electron. The average distance moved by a free electron between two successive collisions, is called mean free path. Then the average time interval, next line, the average time interval between two successive collisions, is called the relaxation time. So these are two new terms, mean free path and relaxation time. First, let us understand what do they mean. So definition you have already written, but see, suppose an electron is following this path. So they're colliding. Jahan pe bhi sharp point dikh raha hai, they're wahan pe collision ho chuka hai. Electron was initially here, now it is at this point. Now, while going from this point to this point, it was free, as in it was not colliding. When it was not colliding, this length or this distance is called as a free path. This is called as the free path. We can call this free path as, let us say, L1. And then again, yahan se yahan tak mein collision hua, and between that time, it was free. So let us call that time to be L2. Then yahan pe distance between two collision was L3, L4, L5. In sare distances ka average layer, then that is called the mean free path. Not only five, as a bahut sare collisions ka average layer, toh, it will be called the mean free path. And again, distance, the time taken between two collisions is called the relaxation time. So in sare times ka average layer, then you will get the relaxation time. Tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5. So relaxation time is the average of all these times. Is that clear? Okay, then write it down. There is no net motion of the free electrons in any particular direction.
देयर इज नो नेट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड देयरफोर नेट करेंट इज जीरो and therefore net current is zero. Therefore the net current is zero. Okay. So this is when you have not connected the conductor to an external electric field. If external potential se nahi connect kiya gaya. If suppose in the next case, you have a conductor and you're connecting it to a external potential. Potential ke liye you can connect it with a battery. So battery, how it works and details of that we'll be learning in this chapter only. So right now what I have, suppose this, there is a surface A and there is a surface B, then potential difference is, you can say it is from B to A, or VB minus VA has a potential difference of B. So B pe higher potential. Okay. So B पे higher potential है. So if there is an electron, so ये किधर flow करने का try करेगा? It will be from B to A or A to B. In which direction will it flow? Rishit, what do you think? B पे potential ज़्यादा है A से. So B to A flow करेगा या A to B flow करेगा? इलेक्ट्रॉन. एनी स्टूडेंट? बी टू ए. बी टू ए. एनी अदर स्टूडेंट? दो ही ऑप्शन है, गेस कर सकते हैं. बी टू ए. बी टू ए. और कोई? अच्छा पूरा, व्हाट इज द रीजन बी टू ए? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बात तो सही की, बट दैट थिंग इज ट्रू फॉर पॉजिटिव चार्जेस ना. हमारे पास सर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिर उल्टा होगा ना. हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. अच्छा सी, पोटेंशियल इज फ्रॉम हायर एट बी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम बी टू ए. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम बी टू ए, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम बी टू ए, देन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट. फोर्स की वैल्यू आई कैन राइट इट एज चार्ज इनटू करंट. अच्छा सपोज कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है एल, सो आई कैन रिलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. सो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल. ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल बाय मैग्नीट्यूड. एंड अगर फोर्स निकालना चाहते हैं ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, so force on electron लिख सकते हैं charge into E, that is E times E from Newton's law F is equal to ma. so electron का acceleration आ जाएगा E E by m, small e into capital E by m. what is m? m is mass of electron. ओके, और ई यहां से पुट कर दिया तो वी कैन गेट द एक्सेलरेशन एज ई वी बाय एमएल. दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
और एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट. But here also there will be random motion. Electrons will not travel in straight line. It will have a random motion. But because it has acceleration in one direction, यहाँ पे net motion zero नहीं होता है. Okay? Because there is acceleration in one direction, there is the net motion is not zero. If I draw the diagram, then I'll be dictating what to write. Draw the diagram, write the relations. Here we found out कि अगर conductor में potential drop V है, conductor का length L है, then what is the acceleration of the electron in the conductor? Draw the diagram, note down the equations. Okay. Now see, अभी यहाँ पे acceleration है. So that is why there is a net motion. And वो net motion calculate करने के लिए there is a complicated method जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले. A qualitative idea I am giving you. There is a branch of physics known as statistical physics. Statistical physics where we actually calculate what is the acceleration and related to velocity. But think of it here like this. There are many electrons and they are moving in random direction. But their net motion is in the forward direction. So call this velocity, call its net velocity as V1, and time taken to move is tau1. Aise dusra electron bhi hai, it will just follow random direction, and it has traveled for tau2. So tau1 is ka relaxation time hai, and tau2 is relaxation time of second electron. ठीक है, कॉल दिस इलेक्ट्रॉन 1 था, ये उसका ब्रदर इलेक्ट्रॉन 2 है. सो वी आर गेटिंग देयर इंडिविजुअल स्पीड्स. दिस इज कॉल्ड द स्पीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो क्योंकि tau1 टाइम तक के लिए, फॉर दिस स्मॉल टाइम tau1, द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन एक्सेलरेशन. इट इज नॉट कोलाइडिंग, इट इज नॉट अंडरगोइंग कोलिशन. सो वी कैन रिलेट द वेलोसिटी एंड टाइम like this. V is equal to u plus at hota hai. Initial velocity, let us assume ki zero hai. So we can write V1 is equal to u plus a tau1, u is zero. So V1 is equal to a tau1. Similarly, second electron ke liye V2 is equal to a tau2. And third electron ke liye V3 is equal to a tau3. Like this. There are जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबका एवरेज ले लेते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सबके लिए लिख सकते हैं ये. That is acceleration into the relaxation time. Relaxation time क्यों यूज़ कर रहे हैं? Because in during the relaxation time it was not colliding. Relaxation time वो free time है जब तक वो collide नहीं कर रहे. And if I suppose add all of these quantities, V1 plus V2 plus से लेकर Vn तक, I can write this as A into tau1 plus type tau2 se lekar tau1 tau n tak. This can be written, and this all this individual velocities are of no use to us. What we want is a net velocity. What we want is a net velocity. So to get that, we divide this whole thing by the number of electrons which are free. I should write capital N. So is puri quantity ko hum kehte hain, it is called the drift speed. It is called the drift speed. एंड इस पूरे टाइम को हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. सी ये सब नाम है, नाम याद रखना जरूरी है. एज जस्ट एज जस्ट लाइक कोई भी लैंग्वेज समझना है तो उसके वर्ड्स याद करने होते हैं. एग्जैक्टली हियर यहाँ पे यू हैव टू लर्न दिस वर्ड्स.
सो फर्स्ट आई विल टेल यू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. सो फर्स्ट वाला लेट अस से टाउ वन टाइम के लिए रिलैक्स कर रहा है, सेकंड वाला टाउ टू टाइम के लिए रिलैक्स कर रहा है. रिलैक्स कर रहा है मतलब ऐसे नहीं चिल बीच पे मस्त बैठा है सन सन बाथ ले रहा है, रिलैक्स कर रहा है मींस कोलिजन नहीं हो रहा. ओके मींस इट वाज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट कोलिजन से लेकर सेकंड कोलिजन तक जो टाइम है दैट इज कॉल्ड इट्स रिलैक्सेशन टाइम. ऐसे सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज ले लिया जाए सो दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड टाउ वन रिलैक्सेशन टाइम में इलेक्ट्रॉन वन वॉज ट्रेवलिंग बाई वी वन डिस्टेंस, सॉरी इट हैज वी वन वेलोसिटी. ऐसे सारे स्पीड्स का हम एवरेज ले रहे हैं, सारे स्पीड्स का एवरेज ले रहे हैं मीन्स वी आर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे, बट धीरे धीरे दे आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अज्यूम इट लाइक दिस कि देर आर मेनी मीन्स बहुत ही डेंस ट्रैफिक है और ट्रैफिक में बहुत स्लो मूवमेंट हो रहे हैं. ऑल्दो कार्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड मीन्स द होल ट्रैफिक इज मीन्स कार बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बट होल ट्रैफिक इज मूविंग वेरी स्लोली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके मीन्स सपोज देर आर डिफरेंट कार्स सो सम कार्स आर टाइटली पैक्ड तो ये मूव नहीं कर सकते आगे. सो ये पहले मूव कर गया फिर ये बाद में आया मूव किया, ये पहले मूव कर गया, कुछ कार्स मूव ही नहीं कर सकते. बट इफ यू टॉक अबाउट द होल ट्रैफिक इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लोली. ऑल्दो कुछ कार्स मूव कर रहे हैं, कुछ कार्स आगे मूव कर रहे हैं, कुछ कार्स बहुत धीरे मूव कर रहे हैं, द होल ट्रैफिक इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ एंड बैक मोशन हो रहे हैं. सो ऑल्दो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग मूव बट बहुत ही धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं एंड देयर नेट मोशन इज कॉजिंग अ स्पीड दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पीड. फास्ट एंड फ्यूरियस वाला ड्रिफ्ट नहीं करा रहे इसमें, दे आर जस्ट ड्रिफ्टिंग फॉरवर्ड. जो नेट मोशन है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पीड. Note this down, then कोई भी doubt है just ask. Note this down. Clear होना चाहिए relaxation time क्या है, average relaxation time क्या है, v1 actual speed है, then जो drift speed है वो actual speed नहीं है, that is just speed of drifting of electrons. Electrons are drifting in the direction of opposite to the electric field. नोट कर लिया. ओके सो वी राइट दिस फॉर्मूला, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. Okay, so this relation you must remember that Vd is equal to acceleration into relaxation time and acceleration find out kar sakte hain agar electric field E hai then force is equal to mass into acceleration. Force ki value ho jayegi charge into the electric field. So E is equal to mass into acceleration. From here you get acceleration is equal to E by M. So we can write this as Vd is equal to E by M into tau. This quantity E by M, this is called mobility. So drift velocity by the relaxation time, that is E by M. This quantity is called the mobility. I represent it like this, mobility of electron.
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको ग्रीक लेटर म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू सबस्क्रिप्ट ई। नोट दिस, ओके, राइट राइट। इन अ कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, in a conductor when electric field is applied, that is when external potential is given, the external potential is given, it provides an accelerated motion to the electrons. It provides accelerated motion to the electrons for their individual relaxation time Full stop. But there is no net accelerated motion of the electrons. The external electric field simply gives the electron a drift. That is a small constant velocity. Of the order of few millimeter per second, along the length of the wire, opposite to the electric field. Okay, next, right, mobility of electrons. The definition: mobility of electrons characterizes mobility of electron characterizes how quickly an electron can move through a metallic conductor. Metallic conductor or semiconductor. Okay. So we have learned two relations. First is the drift velocity is equal to acceleration into relaxation time, or mobility into relaxation time. And later we'll derive this relation, Vd is equal to J upon Ne.
derive this relation later. J is the current density. N is number of electrons per unit volume, number of free electrons, number of free electrons per unit volume. इस रिलेशन को डिराइव करेंगे अभी के लिए बस यूज करना है सो आई एम स्टेटिंग इट हियर ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सो वी डी इज जे अपॉन एनी. So from here, I can write the mobility mu e as VED upon tau. And VED can be written as J upon NE. Okay, there is a small mistake that happened. VD is A tau. That is okay. Okay, wait. There is a small correction here. Mobility is defined as E tau by M. Mobility is defined as E tau by M. VD will be written as E by M into tau. This will be rearranged like this. E tau by M into E. So from here, E tau by M divided by E. So VD upon E, so E tau by M is called the mobility of electrons. Do correct this. E tau by M is called the mobility, where tau is the relaxation time, average relaxation time. VD is equal to J upon NE. That is correct. So I can write mobility is VD upon E. Mobility mu E is equal to VD upon E. VD upon E. So VD can be written as J upon NE. So, okay, one is this relation that you have to remember. Another is this, for mobility of electrons. And then we have mobility of electrons related with current density. Current density J upon NE. J upon NEA. And is number of free electrons per unit volume, E is charge on electron, and current density, J is the current density. Let's copy derive karenge, current density wala formula se. I made a correction here, make sure you write it correctly here. VD, that is drift velocity per unit electric field.
ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना मोबिलिटी ज्यादा होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा मोबिलिटी उतना ज्यादा होगा। नोटेड? ओके, लेट अस नाउ डिराइव रिलेशन, दिस रिलेशन जे इज इक्वल टू एन ई ए, ये वाला रिलेशन डिराइव करते हैं, जे इज जे अपॉन एन ई। सो सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मींस अभी आफ्टर डिफाइनिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रैंडम मोशन, यू कैन जस्ट अज्यूम कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे आर जस्ट मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे आर जस्ट मूविंग विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो एक्चुअल मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव मेड इट इनटू अ सिंपल मैकेनिज्म। So drift velocity, you can assume that all the electrons are moving with drift velocity now. Okay. Now see, if suppose this is the cross section, and this is cross sectional area, and let us say, इसमें ढेर सारे electrons हैं, and we'll write n is the number of free electrons per unit volume. N is number of free electrons per unit volume. Per unit volume. VD is the drift velocity. A is the cross-sectional area. A is the cross-sectional area. And we can take the length of the conductor to be L. And let us take current density to be J. Current density kya hai? current per unit area. So I can write the current will be equal to current density into area. A is area of cross section. Like this we can write. Now see, इस क्रॉस सेक्शन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। सो हाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n पर यूनिट वॉल्यूम। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द charge passing through this area, charge passing through area A, that can be written as number of free electrons per unit volume into the volume, volume ho jayega A into L, right? Itna charge pass ho raha hoga, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस होल क्वांटिटी बाय ई, बिकॉज़ ई चार्ज इज एन इलेक्ट्रॉन। इज दिस ओके? चार्ज पासिंग थ्रू ए विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम इन टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो if I want to write the current, current will be charge passing through A per unit time. Charge passing through A per unit time. That is N ALE upon time taken is t,
अभी सी VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग. सो आई कैन राइट VD इज इक्वल टू L अपॉन T. अगर इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, देन L लेंथ ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी L बाई VD. आई कैन पुट T इन हियर, सो N A L E डिवाइडेड बाई L बाई VD. यहां पे सबस्क्रिप्ट है, सो दिस विल गिव यू एल एल कैंसल आउट हो गया, सो करेंट इज एन ई ए वी डी, करेंट इज एन ई ए वी डी. चार्ज पर यूनिट टाइम है, चार्ज इज एन ए एल इंटू ई एंड टाइम इज, ये लेंथ क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को. अब हमने अस्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही ट्रैवल करते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट द केस. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ सारा इलेक्ट्रॉन, बट वी कैन कैलकुलेट टाइम यूजिंग दैट. नोट दिस, ये डेराइवेशन भी याद रखना है बिसाइड्स द फॉर्मूला. Noted. Okay. So we got the relation between I and drift velocity, current and drift velocity. I is N E A V D. V D याद रहता है, area भी याद रहता है, E भी याद रहता है, I भी याद रहता है. N लोग भूल जाते हैं students. So N is number of free electrons per unit volume. Per unit volume. So then we have the current density. Current density is current per unit area. So इसको लिख सकते हैं NEVD. So current density is NEVD. And the drift velocity is a vector quantity. और क्योंकि करंट का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो आई विल राइट जे वेक्टर इज माइनस एनईवीडी. जे वेक्टर इज माइनस एनईवीडी. सो अभी तक जो फॉर्मूलाज लिखे हैं डिराइव किए दैट आई विल राइट टुगेदर. फर्स्ट इज एवरेज करंट. एवरेज करंट का फॉर्मूला वाज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. देन इंस्टेंटेनियस करंट. That is written as dq by dt. Then for current density, current density is current upon area. Then relation between acceleration and potential. That was EV by ML. Then drift velocity and relaxation time. That was VD equals to A time, A tau. Then
मोबिलिटी, मोबिलिटी इज इक्वल टू म्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड. So mu is also written as E tau by N. Then for current, it is written as N E area into drift velocity. J is just equal to N E V D. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो दोनों पे वेक्टर ऐड कर सकते हैं, बट नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे. एंड मोबिलिटी के लिए फिर ये रिलेशन के बाद एक और रिलेशन आता है, मोबिलिटी इज जे अपॉन एन ई ई. ठीक है, तो जो फॉर्मूला टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे फॉर्मूलास. कल का फॉर्मूला टेस्ट तो इट विल बी ऑन कैपेसिटर, सेम 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन. कल का फॉर्मूला टेस्ट विल बी ऑन कैपेसिटर. नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला टेस्ट होगा दैट विल बी ऑन दिस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, विल कम बैक टू दिस क्वांटिटीज. आफ्टर दिस विल स्टडी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. So electric resistance, as you know, is for a conductor is defined as the ratio of potential to the current. Ratio of potential to the current. Okay. This formula is valid for conductors. So write the ratio of the potential difference to the current. The ratio of the potential difference to the current is called the resistance R of the conductor. The ratio of potential difference to the current is called the resistance of the conductor. Exactly same as jo 10th standard mein padha hoga. The ratio of potential. Right, the ratio of potential difference, the ratio of the potential difference to the current the ratio of potential difference to the current is called the electric resistance of the conductor. It's called the electric resistance of the conductor. Nihar and Rishit, your cameras are off again. So the unit of resistance is ohm, written by this omega sign, capital omega, read as ohm, and this is 1 volt per ampere. So other units are mega ohm, kilo ohm, giga ohm. Okay, these are the common units of resistance. Sometimes smaller units are also written like milli ohm and micro ohm. And if you want to write the dimensions of ohm, so 1 ohm, that is 1 ohm, that is equal to volt per ampere, 1 volt per 1 ampere.
वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलम। सो दिस विल बी 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर इनटू 1 कूलम। सो जूल इज अगेन न्यूटन मीटर, एंड कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर मीटर, एम्पियर सेकेंड। कूलम इज एम्पियर सेकेंड। सो न्यूटन इज एम एल टी रेस टू माइनस 2 इनटू मीटर दैट इज एल डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर एंड सेकेंड इज टाइम। सो इफ यू वांट टू राइट द डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ ओम, it will be ml square t raised to minus 3 a minus 2. And you also studied the Ohm's law. Can anybody tell me the Ohm's law? The statement for it? Tell me, क्या बोल सकते हैं Ohm's law को? सबने पढ़ा हुआ है। अपूर्व? Tell me the Ohm's law. Current is inversely proportional to resistance. Current is inversely proportional to resistance. ठीक है, जो statement बोला वो तो current है, वो तो correct है. नहीं नहीं, ये Ohm's law नहीं है, वो potential और इसका है, current. Yeah. So you should say it like this, की the ratio. Yeah, the ratio of current to the potential difference remains constant. Okay, the ratio of potential difference applied. Right, the Ohm's law. This statement important hai, board exams mein bahut bar pucha jata hai. The ratio of potential difference applied at the ends of a conductor The ratio of potential difference applied at the ends of a conductor the ratio of potential difference applied to the ends of the conductor to the current flowing through it is constant to the current flowing through it is a constant The current flowing through it is a constant. It is only valid. Ye Ohm's law nahi hai, I'll just write it. Ohm's law is only valid for good conductors, that is metallic conductors. Ohm's law is only valid for metallic conductors. And not a universal law. Ohm's law is only valid for metallic conductors and not a universal law. So not a universal. So universal laws matlab hamesha valid hone wale laws. जैसे ग्रेविटेशन लॉ है या कूलम्स लॉ है, दे आर ऑलवेज वैलिड। कोई भी कंडीशन ले लिया, चार्ज पास रख दिया, दूर रख दिया, पीछे मटेरियल डाल दिया, कोई भी मटेरियल यूज कर लिया, दे आर ऑलवेज वैलिड। बट ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज वैलिड ओनली फॉर गुड कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स में भी सुपर कंडक्टर्स के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा,
इट विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर सुपर कंडक्टर्स एंड देयर फोर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. द ग्राफ इज लाइक दिस, आई वी का ग्राफ, राइट, वी बाई आई इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. This constant is called resistance for conductors which follow Ohm's law. This is resistance for conductors which follow Ohm's law. So there can be कंडक्टर्स या तो फिर उनको रेजिस्टर्स बोल सकते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस. नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, सो नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस में ग्राफ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द जनरल ग्राफ. सो आईवी ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन फॉर दिस केसेस. आईवी ग्राफ कैन बी लाइक दिस or it can be like this. Straight line hona zaruri nahi hai. And for these cases we calculate something called as dynamic resistance. Dynamic means change ho raha hai, at each and every point it is changing, dynamic resistance. So dynamic resistance aise calculate karte hain, per unit change in current, per unit change in voltage upon per unit change in time. So iske liye if you want to calculate the dynamic resistance RD, that will be change in potential, that is AB upon change in current BC. Change in current, change in potential upon change in current. So dynamic resistance ko hum likhte hain delta V by delta I. This case may be delta V by delta I. If this is delta V, this is delta I, then you can write this as dynamic resistance. Delta V, delta I. This is delta V by delta I. That is called the dynamic resistance.